नमस्कार दोस्तों, आपका मेरा YouTube चैनल 3L's लर्निंग फॉर ऑल में हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी भाषा के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वर्ण से। दोस्तों, वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, ई, क, च आदि। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्णमाला, वर्णमाला वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। स्वर वर्ण, जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उसे स्वर वर्ण बोलते हैं, जैसे ए, आ, ई, ई, उ, उ, र, ए, ओ। व्यंजन वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो विभिन्न प्रतियोगिताओं में ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर और कितने व्यंजन होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। अब हम बात करते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ व्यंजन एंड ऊष्म व्यंजन। दोस्तों, क से लेकर ड तक जितने भी हमारे वर्ण आते हैं, क, ख, ग, घ, ड, ये सारे क वर्ग की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद आता है हमारा च, छ, ज, झ, ण, ये सारे च वर्ग में आते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण, ये ट वर्ग में आते हैं। त, थ, द, ध, न, ये त वर्ग में आते हैं। प, फ, ब, भ, म, ये प वर्ग में आते हैं। इसके अलावा दोस्तों, य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं और स, 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 ह ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और ये सारे व्यंजन आप यहाँ देख सकते हैं, ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं च वर्ग, प वर्ग और ट वर्ग की। क वर्ग का उच्चारण तालु से होता है, प वर्ग का उच्चारण होंठ से होता है और ट वर्ग का उच्चारण मूर्धा यानी मुंह से होता है। अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच का महसूस होता है उन्हें अंतस्थ कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं य, य, र, ल, व, य, व, र, ल। सो हिंदी भाषा में 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच का महसूस होता है। फिर आते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख में ही घर्षण द्वारा ऊष्मा उत्पन्न करती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं, जैसे श, श, स, ह। देखा, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं और 4 ही हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं जो हमारे विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता में पूछे जाते हैं। अब आते हैं मात्रा, मात्रा मात्रा जो होती है दोस्तों, उनके बिना हिंदी भाषा को लिखना और समझना बहुत ही मुश्किल है। प्रत्येक स्वर के लिए मात्राएं निश्चित हैं। मात्राएं स्वरों के चिन्ह स्वर वर्ण मात्रा के रूप में ही व्यंजन वर्ण से जुड़ते हैं। नीचे आप देख सकते हैं, कुछ स्वर दिए हुए हैं, उनकी मात्रा दी हुई है, फिर उनका प्रयोग है और देन शब्द है। ए, ए की कोई मात्रा नहीं होती है। क प्लस अ, क, आ, आ, आप देख सकते हैं आ की मात्रा है। ई, छोटी ई की मात्रा। ई, बड़ी ई की मात्रा। ऊ, छोटे ऊ की मात्रा। उ, बड़े ऊ की मात्रा। र, ऋषि, जिसे हम
सामान्य भाषा में बोलते हैं। ए छोटे ए की मात्रा, ए बड़े ए की मात्रा, ओ छोटे ओ की मात्रा और ये हमारे बड़े ओ की मात्रा है। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी सारी मात्राएं हैं। और ओ की कोई अब हम बात करते हैं संधि की। संधि शब्द का अर्थ होता है मेल। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। जैसे सम प्लस तोस संतोष, देव प्लस इंद्र देवेंद्र, भानु प्लस उदय भानुदय। संधि के भेद। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए अब आगे की प्रेजेंट पढ़ते हैं। स्वर संधि। स्वर संधि, संधि का अर्थ होता है जोड़ या मिलान। जैसे राम प्लस ईस रमेश। संधि तीन प्रकार की होती हैं। स्वर संधि, जब दो स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनमें जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आल्य विद्यालय, हिम प्लस आल्य हिमालय। संधि या स्वर संधि, स्वर संधि पांच प्रकार की होती हैं। तो हम जैसे आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, यहाँ पे आपको दीर्घ संधि दिखाई दे रही है। दीर्घ संधि अ प्लस अ हास्व और दीर्घ हास्व में, मतलब आप समझ लीजिए जो हमारे जिसे हम छोटा अ छोटी ई छोटा उ ये सब बोलते हैं, ये हमारे हास्व होते हैं। और दीर्घ हमारे होते हैं बड़ा आ बड़ी ई बड़ा उ, ये हमारे दीर्घ में आते हैं। तो जहाँ पे भी कोई हास्व या दीर्घ या दीर्घ या हास्व आपस में मिलते हैं तो वो एक दीर्घ रूप में चेंज हो जाते हैं। जैसे आप अगर यहाँ देखेंगे तो ये आपको दिखेगा कि यहाँ पर ए प्लस ए ये आपका आ गया आ। इसी तरह से अगर आप यहाँ से सारे देखें तो यहाँ पर ये आपका हस्व स्वर है और दीर्घ स्वर है, दोनों मिलकर यहाँ पे दीर्घ स्वर बनते हैं। तो आप अगर इधर देखेंगे तो यहाँ पे सारे दीर्घ स्वर बनते हैं, इसीलिए इस संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा आ बड़ा बड़ी ई बड़ा उ दीर्घ प्लस दीर्घ हास्व धन हास्व सब मिलकर दीर्घ संधि बनाते हैं। यहाँ पे कुछ संधि के आपको दिए हुए हैं। ये है हमारी वृद्धि संधि, ये हमारी वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि में आ ए, मतलब जैसे नाम से ही आप देख सकते हैं उसमें वृद्धि हो जाती है। एक प्लस एक एक एक, इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि इन संधि वृद्धि संधि से जो भी शब्द मेल से उत्पन्न होता है उसमें आप देखेंगे तो आपको बड़े ओ की मात्रा दिखेगी, आप देख सकते हैं। तो ये इसकी सबसे अच्छी पहचान होती है वृद्धि संधि की। आप यहाँ पे देखिएगा अब आता है यण संधि। यण संधि जो होती है उसमें
दीर्घ, उसमें दीर्घ या आस्वय स्वर मिलने के बाद वो य, या, ये, व में चेंज हो जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पर। तो यहाँ यानी संधि की ये पहचान होती है। अब आप बात करते हैं अयादि संधि। अयादि संधि की पहचान होती है यहाँ पर आय, आय, अव और आव हो जाता है। अगर आप ये कहें कि अगर किसी के साथ, किसी आस्वय दीर्घ के साथ अ ए आता है छोटा, तो वो आय, बड़ा ए, आय, ओ, आव और बड़ा ओ आव हो जाता है। आप देख सकते हैं ने प्लस अन नयन, से प्लस अन सेयन, ने प्लस अक नायक। तो ये सारे अयादि संधि के एग्जाम्पल हैं, सॉरी उदाहरण हैं। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि के रूल आप जैसा देख सकते हैं, दीर्घ संधि में कोई भी ह्रस्व या दीर्घ स्वर आता है तो वो लास्ट में, वो अंत में दीर्घ दीर्घ स्वर बनाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है आस्य है लेकिन बनाता है दीर्घ, ये ह्रस्व है, ये दीर्घ है, बनाता है यहाँ पे दीर्घ, ये भी दीर्घ है और ये ह्रस्व है दीर्घ। वो यहाँ पे दोनों आप देख सकते हैं दीर्घ हैं और यहाँ पे भी दीर्घ हैं। तो ये दीर्घ संधि के कुछ नियम दिए हुए हैं। यहाँ पे आप ऐसे ही देखेंगे, यहाँ आप छोटी छोटी, बड़ी, रवि प्लस इंद्र रविंद्र, मुनि प्लस इंद्र मुनिंद्र, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप इनको अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपके लिए ये सभी प्रतियोगिताओं में मददगार होंगे। अब बात हम करते हैं वृद्धि संधि की। तो वृद्धि संधि, जैसा आपको मैंने अभी बताया कि वृद्धि संधि में ए, ए, बड़ा ए, छोटा ए, ओ, बड़ा ओ, ये सारे मिलने के बाद बड़ा ओ बना लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा दीर्घ बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है, दीर्घ स्वर। सो ये वृद्धि संधि की पहचान होती है। अब हम बात कर रहे हैं यन संधि की। यन संधि जो होती है उसमें दीर्घ और आस्य स्वर बन के मिलके य, व और र, ये तीनों बनाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, जैसा कि आपको अपने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अ, अ और इन्होंने यहाँ पे मिलके बनाया य। इसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं, इन्होंने मिलके यहाँ पे बनाया आ, इत्या, ऊ, आ, व। यहाँ पे आप देखिएगा रिस, अ, र। तो ये कुछ यण संधि के उदाहरण। अब बात करते हैं गुण संधि की। गुण संधि में ए, ओ, अर। गुण संधि के लिए आप एक चीज ध्यान रखिए, ए, ओ, और आपका अर। तो ये आपके यहाँ पे
आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं दोस्तों। ए ओ और अर, ये आपके गुण संधि के एग्जाम उदाहरण होते हैं। नर प्लस इंद्र नरेंद्र, नर प्लस ईस नरेश, महा प्लस उर्मी महोर्मी, देव प्लस ऋषि देव ऋषि, महा प्लस ऋषि महर्षि। अयादि संधि। अयादि संधि यदि ए ए ओ के बाद कोई भी स्वर वर्ण हो तो ए ए ओ के स्थान पर अय आय आव और आव हो जाता है। अयादि का अर्थ होता है आय आय आव आव, इसलिए इस संधि को अयादि संधि भी है। ये अयादि संधि के कुछ एग्जाम्पल्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ए प्लस अ, आप देख सकते हैं यहाँ पे, अ जमा अ आय, इसका यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। ने प्लस अ, ए प्लस अ नयन, ए प्लस अ आय, नायक। तो ये कुछ अयादि संधि के एग्जाम्पल या उदाहरण दिए हुए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें और लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद।